सभा है। सब तो पहला नंगल इलाके दे साडे मीडिया दे सज्जन, इस तो अलावा आले दुआले दे इलाकियां तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नू रिप्रेजेंट कर दे सारे जिन्ने भी, चाहे वो कैमरामैन ने, चाहे वो पत्रकार ने, सारे दा बहुत बहुत स्वागत है। इतिहासक दिन है अज सरकारी स्कूलों लई, जदों अध्यापक मापे मिलनी हो रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, 27 लाख दे करीब जिहड़े मापे ने अज पंजाब दे वक्-वक् स्कूलों दे विच अपने बच्चों की पढ़ाई बारे, उन्हां नूं पढ़ाई वास्ते मिलने वाले माहौल बारे, उन्हां नूं किहड़े टीचर पढ़ा रहे ने और किहो जिहे माहौल दे विच उन्हां नूं किहड़ी संगत मिल रही है, वह भी देख के जाणगे। ते सरकारी टीचर्स, प्रिंसीपल, हैडमास्टर्स नूं भी अज एक मौका मिलेगा बच्चों के मापियां नूं मिलन दा, किहड़े सबजैक्ट चों वो कमज़ोर ने, किहड़े सबजैक्ट अच्छा कर रहे ने, ये दसण दा, स्कूल दे विच बच्चे दा बिहेव विहार किद्दां दा है ये दसण दा, ते नाल ये भी पता लगेगा कि स्कूल तो बाद जो बच्चा घर जाता है वह किहो जिहे माहौल च रहिंदा है। जे इत्थों 2 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे छुट्टी होगी, बच्चे चले गए, वो किसी गलत संगत च फिरदे ने, सारी पढ़ाई बेकार होगी, तो फिर मापियां नूं भी यह दस्या जाऊगा। तो पहला प्राइवेट स्कूलों से हुंदा रहा पेरेंट टीचर मीटिंग, सरकारी च नहीं हुंदा सी, विश्वास टुटिया होया सी लोगों का, मजबूरी नूं पढ़ाउणा पै रहा सी सरकारी स्कूलों च। पर मैं हुण बच्चों नाल गल करके आया, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों चो इत्थे आए हैं, और वो भी ये नाल ये भी कहा उन्होंने कि पहला सानू लगता सी जां साडे मापिआं नूं कि शायद सरकारी स्कूलों च उस तरह का माहौल नहीं मिलना, पर वो कहिंदे असीं उस तो भी वधिया माहौल दे विच पढ़ रहे हां, साडे कैंप लग रहे ने, समर कैंप लग रहे ने, विंटर कैंप लग रहे ने, असीं चंद्रयान दी 2-3 बच्चे मिले, चंद्रयान 3 दी लॉन्चिंग देखण गए सी श्री हरिकोटा, असीं अपने टीचर्स नूं सिंगापुर भेज रहे हैं, प्रिंसीपल साहब 202 प्रिंसीपल जिहड़े ने उन्हें सिंगापुर प्रिंसीपल ट्रेनिंग अकैडमी च भेजा, वो आके इत्थे अपने स्कूलों नूं किवें लीड करना है, अपने टीचर्स नूं, अपने कोलीग्स नूं दस रहे ने। 152 टीचर्स नूं IIM अहमदाबाद भेजा पढ़ाई दे लेटेस्ट तरीके सीखण वास्ते। इस वक्त 72 साढ़े टीचर जिहड़े ने फिनलैंड च ने, तुरकू यूनिवर्सिटी है मन्नी परमन्नी जिथे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, पूरी दुनिया तो उत्थे टीचर्स आते हैं, 21 तरीक तो लैके 8 तरीक तक उन्हों का ट्रेनिंग का सैशन चल रहा है। इस वक्त बाकी कच्चे टीचर जिन्हें असी 12,316 टीचर जिहड़े ने पक्के किए ने, 10,361 अध्यापकों की भर्ती भी की गई है, वर्दियां टाइम पर मिल रही ने, किताबां टाइम पर मिल रही, पहला की होंदा सी गर्मियां वाली वर्दी दसंबर च मिलती सी, दसंबर वाली वर्दी जून जुलाई च मिलती सी, ऐसे किन्ना गल्लां करके यकीन टुटिया सी, हैडमास्टर दी या प्रिंसीपल दी सारा ध्यान उहदा बाथरूम की टूटी च खड़ गई, फलाना पखा खराब हो गया, मिड डे मील च आ नहीं बनया, बालन है नहीं, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे कम ध्यान से,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, 18-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ 7200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 118 ਬਣਨੇ ਆ, 14 ਬਣ ਗਏ, 14 ਤਿਆਰ, 14 ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਾਂਚ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਜੇ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਲਾ ਲਈ ਰੇਟ, ਪਰ ਦੋਮ ਸੋਮ ਇੱਟ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਦੋਮ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਮ ਸੋਮ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਸੋਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 3.5 ਕਰੋੜ ਹਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਰਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ NDA ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ UPSC ਦਾ ਅਤੇ NDA ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਥਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥੱਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 'ਤੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। 157 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, 157 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ IIT ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 15 'ਚ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ,
मर्ज कर दो जी इन्हों। पर अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आप वह आई आई टी खड़गपुर तो पढ़े हुए ने, आई आर एस ऑफिसर ने, पढ़ाई का मुल पता है, तो उन्होंने कहा नहीं सरकारी स्कूल ठीक करांगे। सरकारी स्कूल ठीक करन दा फैसला लिया, बहुत चैलेंजेस आए, दिल्ली च जगह की प्रॉब्लम है, दिल्ली के स्कूल इदा ने, अपने स्कूल इदा ने, दो दो फ्लोर नवे बनाए, कई हज़ार कमरे नवे बनाए, सिंथेटिक ट्रैक बने, लिफ्टां लगियां, टीचरों नूं ट्रेनिंग देने लई विदेशों च भेजा गया, फिर जाके यकीन बनिया मापियां दा। हुण 2 लख तो 2.5 लख दे विच विच बच्चे प्राइवेट चो कढ के सरकारी, दिल्ली की गल करदा मैं, सरकारी च मापे जिहड़े ने ओह भर्ती करा रहे हैं, क्योंकि यकीन बन गया आई आई टी क्लीयर कर रहा। अरविंद जी दसदे सी, कहिंदे जदों मैं आई आर एस का एग्जाम क्लीयर किया सी तां हिसार जिले के आले दुआले के 20-30 किलोमीटर के रेडियस च मैं कल्ले ही सी। कहिंदे हुण दिल्ली के हर दूजे स्कूल चों आई आई टी निकल रहे ने, किसी का बापू किसी ओवरब्रिज थले प्रैस करता कपड़े, किसी की मां लोगों के घर झाड़ू पोचा ला के गुजारा करती है, पर उनके बच्चे आई आई टी क्लीयर कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा विद्या सिक्ख्या एजुकेशन एक शेरनी दे दुध वर्गी है, जिहड़ा उन्हूं पीऊगा वह दहाड़ूगा। सो बाबा साहब के सुपने पूरे करने, उन्होंने किन्ना हालातों चो उस वेले पढ़ के विदेशों चो पी एच डी डिग्रियां लईआं। माहौल मिल जाए बच्चों, साडे बच्चों च टैलेंट की कोई कमी नहीं, माहौल नहीं मिलता, तो आही बच्चे साडे प्राइवेट ने कंपीटिशन है। हुण तां पुल इको पुल थलों भी पानी लंघदा, हुण तां पूरी दुनिया च कंपीटिशन तां इको थां ते हुंदा, उत्थे जाके अपने पहलां सरकारी स्कूलों के बच्चे पहलां घबरा जांदे सी, आ तां सानूं पढ़ाया ही नहीं गया जी, आ कित्थे फस गए, कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता सी, ईवन क्लास च टीचर के सामने खड़े होकर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता सी। कॉन्फिडेंस हुण देखो तुसीं बच्चे बोलते। मैं गया, मैं दिल्ली भी दसी सी गल, मैं जांदा सी बाई कार फतेहगढ़ साहब नूं जांदा सी मोहाली तो चुन्नी स्कूल च रुक गया, मैं चलो यार स्कूल लगे हुआ वैसे ही रुक गए, टीचर्स नूं मिले ते नहीं जी कोई क्लास मिला दो, 7वीं 8वीं क्लास चले गए, बच्चों नूं मिलन लग गए, कोई पता नहीं सी उन्हां नूं, ना ही किसी ने सिखाया सी भी आए कह दी आए कह दी, तारीफ कर दी होंदा ना कई बार पता होंदा तां बच्चे नूं कहंदे ने आए कह दी। मैं पूछण लग गया कि कोई बच्ची कहंदी मैं पुलिस अफसर बनना है, कोई मुंडा कहंदा मैं डीसी लगना है, एक कहंदा भी मैं की बनना, कहंदे मैं तां मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं कहा बड़ी वधिया गल है, पर यार थोड़ा जिहा लंबा नहीं सोची बैठा भी, हजे तो 7वीं 8वीं च है, हजे पढ़ना है, फिर लोक सेवा च आएगा, फिर कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, फिर उस पार्टी च काम करेगा, फिर पार्टी का यकीन बनू, फिर टिकट मिलू, फिर लोगों च जाएगा, फिर लोग तेन जिताओगे, फिर कितने रास्ता क्लीयर होगा। काफ़ी टाइम लग जाऊ हजे तो 7वीं 8वीं च, कहना कोई गल नहीं जी उन्हें चर तुम है। मैं क्या यार कॉन्फिडेंस देखो इस बच्चे का। सो सानू तो, मैं जो पहली बार स्टेज पर चढ़िया प्लस वन च पढ़ता सी, मैं शहीद ऊधम सिंह गौरमेंट कॉलेज सुनाम, उदे मैनू एस ना आ जिहड़ा लैक्चर स्टैंड है, मैनू उदे इहदी वैल्यू पता लगी सी, क्योंकि इहदा फायदा यही है जे लत्तां कंबदियां होण तां दिसदियां नहीं, क्योंकि उदे लत्तां कंबियां मेरियां, पर बचा इस करके हो गया कि आ मेरे मूहरे खड़ा सीगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं बनते पहली बार स्टेज पर चढ़े सीगे जी। सो ये चीज जिहड़ी है हुण वाले बच्चों च, असी पहले दिनों कॉन्फिडेंस उन्हों का होवे, अज कॉन्फिडेंस का जमाना है। इंटरव्यू जो वीज़ा इंटरव्यू होंगे ना अमेरिका की एम्बेसी कि एवें रट्टे लवाई जाएंगे जी, आ पूछा तो आ कहीं, वो कख नहीं सुनते,
वो कला कॉन्फिडेंस देख रहे हैं भी रट्टा ला के तो नहीं आए हुए, वो अखा देख लेंगे है, सवाल पूछ के आपका काम करने लग जाते हो, वो सिर्फ ये देखते हैं किन्ने कॉन्फिडेंस ने जवाब देना बंद। बड़ी बड़िया इंटरव्यूज के कॉन्फिडेंस ही चलता है। एलन मस्क दुनिया का सब तो अमीर बंदा, वो दफ्तर च एक कम करती सी गोरी, रिजाइन लेके आ गई, कहती मैं इस्तीफा देना है। वो कहता ओके आ इस्तीफा तेरा रख लेना, आ एक लख डालर लै दुनिया घूम के आ जा, वर्ल्ड टूर करया, फिर मैं तेरे इस्तीफे बारे फैसला ले लूंगा। उन्हें आखिर दोनों काम बन गए, नाले तो इस्तीफा देता नाले लख डालर मिल गया, वर्ल्ड टूर ते चली गई, घूमया ही सारी दुनिया। डेढ़ दो महीनों बाद आ गई, कहती जी मैं आ गई, मैं रिजाइन दिता सी। कहता अच्छा आ पे तेरा रिजाइन एक्सेप्टड, रिजाइन तेरा मंजूर। वो कहती जी मंजूर ही करना सी उस दिन ही कर लेंदे जी, मैनू लख डालर देता, मैनू क्या दुनिया घूमया नाले रिजाइन। वो कहते उस दिन मैनू ये पता नहीं सीगा तेरी मेरे दफ्तर च अहमियत की है। कहना जे तेरी अहमियत होंगी ना दो तीन दिन दफ्तर च तरसली मच जानी सी भी आई नहीं, हो कम खड़ा है जी। कहना महीना डेढ़ महीना हो गया मैंने किसी ने पूछे ही नहीं भी तू आई है या नहीं आई। कहना जा फिर। सो अपनी जगह बनानी अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी अज के जमाने कि थोड़े बिना सरे ना, काम करो पर कॉन्फिडेंस इन्ना हो कि थोड़े बिना सरे ना, तुसी एक की पार्ट बनो उस सिस्टम दे। जे थोड़े बिना सरदा डेढ़ महीना फिर वो कहना जा जिते डेढ़ महीना सर गया उत्थे होर सर जूगा। सो जमाना कंपीटिशन दा, जमाना आई ए आई दा, ते साडे बच्चे तरक्की कर रहे ने। मेरे एमपी साहब खड़े ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स चो आए ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब खड़े ने, वकील ने खुद ऐसे इलाके तो जीते हुए ने। सो इन्हां चो भी बहुत सारे बच्चे राजनीति च भी आउणगे, जुडिशरी च भी जाणगे, ब्यूरोक्रेसी च भी जाणगे। सो बच्चा जो चाहुंदा है उन्हूं वो कर लैण दो। मापियां नूं अज मैं यही कहा मैसेज, अज मैं यही देना कि बच्चे ते दबा ना पाओ कि तेरे 99.2 क्यों आए ने, 99.3 क्यों नहीं आए, फलानियां दे अवतार वांगू फलानियां दे गुलजार वांगू। हो सकता उहदे च कोई होर खूबी होवे, बच्चे तुहाडे च कोई होर खूबी होवे। सो अज जिन्हें भी मापे इस वक्त स्कूलों च ने सरकारी स्कूलों च, उन्होंने मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मीडिया राही कि अपने बच्चे दे यकीन करो, एप्रीशिएट करो, थोड़ी बहुत कोई कमी है प्यार नाल दसो, क्योंकि जे आप ज़्यादा बच्चे नू दबाव पाने एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई कर लेने तो बच्चे फिर प्रेशर च रहन लग जाते हैं। कल्ले बच्चे नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने तो बाद सुसाइड दी खबरां भी सुनिया घट नंबर से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने हालांकि यूनिवर्सिटी तो मच्योर मुंडे कुड़ियां होंदे ने, यूनिवर्सिटी ने बाद च फैसला किया होया हुण जिहदे घट नंबर आ गए दसने नहीं, उहदे मापियां नूं बुला के दसदे आ, क्योंकि कंपीटिशन जां एक्सपैक्टेशन इन्निया हाई हो जांदियां, वो इदा ना दबाव बच्चे ते नहीं रहना चाहिए। किसी ने किसी की लिखाई बहुत वधिया हुंदी है, कोई स्पोर्ट्स बहुत वधिया करता है, कोई लिखारी बहुत वधिया है। सो हर एक बच्चे हर एक बंदे च परमात्मा ने कोई ना कोई फन कोई ना कोई कमाल दिती है, सोनू निखारना टीचर्स का काम है। बाकी एजुकेशन हेल्थ
बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप 5 प्रायोरिटीज ने दिल्ली च भी साड़ियाँ ही ने साड़ी दो जगह पर सरकार है दोनों जगह पर ही ने दिल्ली च ही पूछ लियो जाके बिजली बारे इंफ्रास्ट्रक्चर बारे पानी बारे पढ़ाई बारे ते हस्पतालों बारे इत्थे भी कल ही नैशनल लैवल के डाटे अखबारों छपे है कि साढ़े पंजाब का पानी जो धरती का लैवल है उपर आने लग गया कस्सियां सूए चला ले असी इतों तक चलता पानी अज इत्थे पर बैठे हैं इतों तक चलता पानी इत्थे नीले रंग का पानी इत्थे सतलुज निकलता इतों नीले रंग का भाखड़ा भी नीले रंग की है एको जगह तो निकलते हैं लुधियाने तक जाते जाते सतलुज काले रंग का हो जाता भाखड़ा नीली रहती है कारण की है भाखड़ा चो पानी निकलता है पंजाब च भाखड़ा च पानी कितों पैंदा नहीं इधर जो कई साल तो गंद मंद फैक्ट्रिया का जो शहर का सीवर का चक सतलुज सतलुज काले रंग का कर देने उते भी असं ध्यान दे रहे हैं बुढ़े नाले ते या पानियां नू कला बचाना नहीं नाल निर्मल भी रखना जे गंदले ही पानी है फिर ना ना वो पानी है कुछ नहीं फिर तो कैंसर की फैक्ट्री है। सो ये साड़िया प्रायोरिटीज ने बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब का रीचार्ज जिहड़ा धरती का वह बढ़ गया ते जिन्ना आप धरती चो पानी कढ़दे हालांकि ज़्यादा है अजे वो पर वो घट गया पिछली बार नाल असीं भी एप्रीशिएट कर रहे हैं कि नहरां दा कस्सियां दा सूहां दा पानी साडा जिहड़ा वह हम इस्तेमाल होवे चाहे फैक्ट्रियां चाहे खेतां च कर रहे हैं कुछ क्योंकि साड़ी फ्यूचर की जनरेशन वास्ते अजी कुछ तो छड़ के जाइए ना नाम ही रह जूगा नहीं तो फिर सूबे का पानी ते पांच आब पांच पानी। सो इस करके जो भी असी आम तौर पर लीडर जड़े ने ओहो नैक्सट इलैक्शन बारे सोचते हैं पर आम आदमी पार्टी है नैक्सट जनरेशन बारे सोचती है कि असी अगली जनरेशन की छड़ के जाना हस्पतालों पर काम चल रहा है मोहल्ला क्लीनिक बन गए 860 होर बन गए जिन्ना दिल्ली वाले टाइम लगता सी तो कितने चौथा गुणा भी घट टाइम लग रहा क्योंकि उतों तजर्बा ले लिया सीखण च की हर जा जितों मर्जी सीख लो जी। सो साडा मोटिव यह है कि साड़ी कौम का निर्माण हो जाए सड़कों का निर्माण गलियों का निर्माण ये बाद आप ही कर लेंगे वो जो इतों IAS IPS NDA साढ़े अफसर बच्चे निकले तो आप ही साढ़े सूबे का विकास होगा जी। UPSC दियां ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं ताकि बच्चों IAS दे IPS दे एग्जाम की ट्रेनिंग देिए लाइब्रेरियां बन रही हैं पिंडां च ये काम करने वाले है जी धर्म के नाते असी राजनीति नहीं करते ना ही कोई फालतू असी किसी इल्जाम लाने जिन्हां ने जो किया भुगती जान किसी ने पास्ट दे जो गलती की कितने ना कितने जाके सजा मिलती है इत्थी नरक सुरग सियाने कहिंदे आ। सो तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद तुसी टाइम कढ़िया ते आम तौर पर यहोजे भाषण तुसी चलाउंदे नहीं हुंदे तुसी तां चलो रिकॉर्ड कर लिया उत्थे नहीं चलाउंदे ना वी इसमें कुछ है नहीं मसालेदार कृपा करके ये भी चीज़ा चलाओ यार मसालेदार दाल कल्ला मसाले ही ना पाई जाया करो। देखो अदरक सब्जी नूं बहुत वधिया बना दिंदा स्वाद बना दिंदा पर अदरक की सब्जी नहीं बन सकती कल्ला अदरक ही ना पाई जाया करो ना नाल सब्जी भी रखा करो कदे कदे। सो हर चीज़ मसाला की बजाय आम पॉजिटिव न्यूज़ मैं तो कहना अद्धा अद्धा घंटा एक चैनल ने शुरू किया मैंने पता भी पॉजिटिव न्यूज़ अद्धे घंटे दी बस बाकी 3.5 घंटे
आही दिखाना है, हाँ होया नहीं, हाँ हो गया, डरावना ही है। अद्धा घंटा पॉजिटिव न्यूज़ वाले ची ला दिओ आ सैक्शन च भी, इत्थे पढ़ाई दी गल हो रही है भाई, ठीक है ना। सो इस करके मैं कहना ये ना भी तुम देखियो सही, तुम चलाउन लगो ये भी TRP आया करूगी। मैं इसे लाइन का ही बंदा, मैंने पता सनसनी फैलाने ज़्यादा आती है TRP, पर इनू भी एजुकेशन भी लग लो भी ये भी पंजाब एक इस तरह की रेवोल्यूशन क्रांति है कि सिक्ख्या के खेत्र च काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो मैं पूछ लो, पर राजनीति ना, क्योंकि आप विद्या के मंदिर से खड़े हैं, स्कूल नाल जां सरकार दी आने वाली फ्यूचर दी पॉलिसीज नाल रिलेटेड पूछ लो। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखो आ जिहड़ा इलाका है ना, ये टूरिज्म लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और ये पठानकोट तक रणजीत सागर डैम उत्थे साडी चमरोड़ पिंड दी जिहड़ी लेक है, बड़ी कमाल दी चीज़ है। साडे कोल हिडन पंजाब है जी, हिडन असी लभ्या हो, पहले तां कोई गया ही नहीं। सो उत्थे काम चल रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी। आने वाले दिनों असी देखो तुसी हुशियारपुर जाओ, चौहाल पहले की सी हुण की बन गया, पहले एक दो कमर का खंडर सी फॉरेस्ट ऑफिस का, अज उत्थे बुकिंग नहीं मिलती, दो महीने की वेटिंग है। इस तरह जिन्ने भी रेस्ट हाउस पानी हाँ टेंट सिटी इतने भी प्रपोज्ड है, तो कि कुछ सतलुज सदन है ना, कि शानदार चीज़ा इतने बनिया हुई ने। सो असी चाहते हैं कि आ जे नीले पानी ने यह भी दिखाइए, खास तौर पर ये एरिए, क्योंकि इतों धार्मिक टूरिज्म भी इतों ही जाती है, माता चिंतपुर्णी चाहे बगला मुखी चाहे इधर हिमाचल जम्मू में जाना है, तो यह जाते हुए जो आते हुए वह रहन कि साडा इत्थे काम मिलेगा। टूरिज्म बहुत तो काम ही नहीं होया तू पहला टूरिज्म से। सो असी ये बन गए खा तैयार ने, बजट भी तैयार है, आने वाले दिनों च जिहड़ा है वो धरती से तुहानू दिखण लग जूगा। जरा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ पेगी हॉकी, क्योंकि देखो साढ़े को पहले ही हॉकी की नर्सरी जलंधर च हैगी, तो साढ़े अज इस बार 10 प्लेयर से 11 चो, तो असी उन्होंने मतलब गोल्ड मैडल का जिन्ना भी असी पैसे दिते है, वो इन हर एक प्लेयर यह नहीं है कि इंडिविजुअल गेम वाले तो देने ही है, जो उन्हें मतलब कोई भी मैडल जितया उस हिसाब न। असी हॉकी वालों भी यह नहीं है कि टीम नू दे दो, हॉकी वालों भी कल्या कल्या दिते ने, ताकि एप्रीशिएशन मिले स्पोर्ट्स के खेडां वतन पंजाब दियां नाल। स्कूलों के खो खो गोला सुटना जिमनास्टिक कबड्डी तो चलो हैगी अपनी गेम है, वो गेम खेडां जिन्हों असी भुल ही गए सीगे, असी वो भी जिहड़ियां गेमां स्कूलों चों लैके आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स वास्ते अलग तो कोटा रहा, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हाँ नाल, मेरे को महकमा खुद स्पोर्ट्स लवर भी हाँ बहुत वड्डा हर एक गेम का, तो इतों बच्चे एमीनेंस्ट, मैं तुम्हें दसिया कि स्पोर्ट्स वाल जो कोई जाने बच्चे चाहते होंगे असी कोचिंग देवे, उन्होंने स्पैशल कोच रखा, स्पोर्ट्स पॉलिसी जी बनाई है उस कोच जोड़े ने नर्सरी स्पोर्ट्स नर्सरियां बनावे, उत्थे बच्चों को खुराक भी मिलेगी, उत्थे होस्टल भी होंगे, आपस मैच भी होंगे, तो कोच भी होंगे। आम तौर पर जे कोई प्लेयर कोई कोई जित के आ गया कि पुलिस भर्ती कर लिया ज किसी आम तौर पर पुलिस ही करते ज़्यादा, असं चाहते कि उन्हों उस लैवल की नौकरी मिले, पर हाकी का प्लेयर है तो उन्हों कि हैड कोच ला दिए किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी जोन का, चार पांच हाकी प्लेयर इंटरनेशनल लैवल दे उहदी वजह नाल आउण, कोई गोला सुट्टण च असी तीरअंदाजी साडे बच्चे जित के आए है, जैवलिन च जित के आए है, वो सिखाउण कोच बन, पर हजे खेडण वो जिन्ना चिर वो खेड सकते हैं, जदों वो रिटायर हो गए तो उन्हां दे तजर्बे का फायदा लईए।
सो पंजाब जिहड़ा स्पोर्ट्स च हमेशा तो अगे रहा, पर जदों सारा कुछ ही तहस नहस हो गया सी विच स्पोर्ट्स हो गई, हरियाणा सब तो अगे लंघ गया। हरियाणा जिहड़े बॉक्सिंग च कुश्ती च हरियाणा अगे है, अज भी अगे है। तो असीं हुण इत्थे बॉक्सिंग दे रिंग बना रहे हां ते नाल नाल इंटरनेशनल फैसिलिटियां, असीं पहलां 8-8 लख रुपया पहलां दित्ता प्लेयरां नूं ओलंपिक जां कॉमनवैल्थ जां एशिया जाण तों पहलां, कि घट्टो घट बूट तां उह लै लो जिन्हां नूं पा के भज्जणा है, नंगे पैरी प्रैक्टिस करदे साडे बच्चे, बूट पा के ग्रिप नहीं बनदी, घट्टो घट जैवलिन तां उह होवे ना जिहड़ी उत्थे सिटणी है, उत्थे होर मिलदी है, इत्थे किसे होर नाल करी जांदे आ। घट्टो घट कुश्ती वास्ते गद्दे तां उह होण ना जिन्हां ते इंटरनेशनल लैवल दी कुश्ती होऊगी, इत्थे मिट्टी ते असीं खाड़े लाउने आ, खाड़ा कहिंदे आपां नूं, मिट्टी ते घुलदिआं जाके गद्दिआं ते ग्रिप ही नहीं बनदी। सानू इंफ्रास्ट्रक्चर तां उह मिले ना, अगे हार जित कोई गल नहीं, वो चलती रहती है, पर घट्टो घट ये ना हो ना कि असी तो आके पहली बार देखे गद्दे है जी। सो स्पोर्ट्स इतों ही निकलने, स्कूल ऑफ एमीनेंस प्राइवेट स्कूलों चो, देखो अमरीका कनेडा का सिस्टम की है, उन्होंने चाइना का बच्चों पहले दिनों ही ला लेंगे उधरले पासे, उधरली चक के लै जाते स्कूलों कॉलेजों भी लै जाते हैं, फिर मतलब गोल्ड मैडल 8-8 गोल्ड मैडल एक सिंगल बंदा जित लेंदा उन्होंने। सो इस करके साढ़े टैलेंट की कोई कमी नहीं, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचिंग की कमी है, वो असं पूरी करांगे, कोचेस रख रहे नवें, तो स्पोर्ट्स से एजुकेशन साडा प्रायोरिटी है। अज के दिन तो मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा स्पोर्ट्समैन इतों ही निकलने हैं, तो टीचर भी इतों ही निकलने फ्यूचर के जिन्होंने पढ़ाना। सो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। असी उन्होंने लिखा हुआ है कि सानू चेयरमैन ने भी जी PBMB की साड़ी है, ठीक है ना, तो हूँ उन्हें राजस्थान में भी बिच उन्हें कहें भी वह भी कोटा पाना है। असी क्या भी देखो साडा PBMB तो पहले दिनों असल च की है ना, थोनों इन्ना सच किसी ने दसना, जी BBMB है उस पहला क्यों नहीं अफसर आता, कोई हम असी अपॉइंट किए है, इतने तो नीला पानी है, बड़ा सोहना माहौल है, अफसर इनू काला पानी मानते BBMB भी काले पानी ड्यूटी लग गई है, नहीं ना कुछ आउंदे ही नहीं इत्थे जी, नीले पानी नूं देख लिए इस करके नहीं आते, काले पानी की सजाए। असी क्या भी ड्यूटी करनी है तो करनी पवेगी, BBMB सारिया पोस्टा साड़िया असी जिन्नी भी वो भरांगे, चंडीगढ़ प्रशासन जिन्नी ने वो असी भरिया ने, SSP साढ़े है, जिन्ना भी 60-40 का रेशो है हरियाणे नाल, ठीक है ना। सो SYL ते असी अपना जिहड़ा क्लीयर किया होया, हरियाणा का इलैक्शन होया, SYL का मुद्दा उठाया इस बार क्यों नहीं उठाया, क्योंकि असी सारा दसता उन्होंने क्या भाई थोड़ा, तो वह कहते यार अभी तो फिर तू पहला दसा ही नहीं किसी ने जी, जाता ही नहीं, कोई वकील ही नहीं जाता साडा इत्थे, वो तो रखते सी मगदा भी ये मामला मंगा के रखो, ये वोटा वेले काम करवाने लिए तैयार रहो, आ करो वो करो। इस करके एग्जाम असी ले रहे हैं 29 तरीक नूं, डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, सानू जदों जे मोहल्ला क्लीनिक बना रहे हैं हॉस्पिटल ठीक कर रहे हैं, सानू डॉक्टर भी चाहिए है, सानू नर्सा भी चाहिए है, सानू फार्मासिस्ट भी चाहिए है, सफाई कर्मचारी भी चाहिए है, ठीक है ना। सो पहला उन्होंने जो ध्यान ही दिता तो सवाल सवाल ही नहीं पैदा होया, सवाल तो पैदा होया जी ध्यान देने लग गए, चलो सवाल तो पैदा होने लगे ना, कुछ तो होया कि स्कूलों दी पहला स्कूलों टीचर जिहड़े सी स्कूल च टीचर घट हुंदे सी, स्कूल दे बाहर टैंकी ते ज़्यादा हुंदे सी, भी सानू स्कूल च अंदर मैं कहा वो टैंकी तो ला के स्कूल च वाड़ लो ना जी, ये तो फलाने च ने जी हाई कोर्ट की स्टे है जी फलाना, असी जदों भी कोई केस लड़दे हाँ हुण सरकार वल्लों वड्डे वकील भेज के लड़दे हाँ, 1300 तो वध जिहड़े फैकल्टी 1158 जिहड़े कोर्ट चों क्लीयर कराए, डबल बेंच सिंगल बेंच ने स्टे लाती, तुसी ना नौकरी नहीं दे सकते, असी डबल बेंच च गए कि नौकरी असी देनी है, सुप्रीम कोर्ट जी फिर गए कि नौकरी असी देनी है, तनखाह असी देनी है, थोनू की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने नौ उन्हों का स्टे टुटिया, डबल बेंच ने हक च फैसला किया, चलो कॉलेज चलो प
पढ़ाओ जाके उते। सो सानू इस बार बूम आ गया एडमिशन का, कोई कॉलेज देख लो, क्योंकि उत्थे बहुत विदेशों च बुरा हाल हो गया। उत्थे तुसी हर रोज़ तुहाडे कैमरे राही खबर देखते हैं कि स्टूडेंटा उत्थे किते कॉलेज ही जाली निकले, किते जाके उत्थे काम नहीं मिलता, उत्थे बैन करन लग गए भी विदेशी स्टूडेंटा बैन करो, इत्थे ही पढ़ लिए इत्थे ही रोज़गार मिल जाए, ये तो वधिया होर की हो सकता है। इस बार साडा जिहड़ा पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज 33% दाखले सी पहला, इस बार 100 तो उपर चले गए, 100 तो उपर। किसी नहीं कटना जी, किसी नहीं कटना, सानू तो होर चाहिए है। और जिन्हें रेंदे है ना उन्होंने भी मैं घरें बुला के उन्होंने मैं गल की है, कोई नहीं रहूगा, असी किसी का चुल्हा बुझाना नहीं, असी चुल्हे बालने हैं। सो आ इलेक्शन का जोड़ा कोड लगे हुआ है, असी परमिशन भी लिखे भी, क्योंकि चार जिले च लगे ना कोड, तो सानू सानू कर लैन दो, ये तो पहले ही ऑलरेडी उन्होंने फैसला है। सो सन साडे लिए तो जिन्हें टीचर जिन्हें मतलब प्रोफेसर या लैक्चरर जाएंगे एजुकेशन उस लैवल से जाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ वाले के जवाब अच्छ मैं घट दते हैं, क्योंकि तुम रोज़ मैं सवाल पूछते हो, इन्हों का हक ज्यादा बनता लोकल का, सो लोकल इज वोकल।